आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बीजेपी के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह सपा में शामिल। राम इकबाल सिंह ने थामा सपा का दामन, अपने साथियों के साथ सपा में शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव ने राम इकबाल को दिलाई सदस्यता। बीजेपी के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह सपा में हुए हैं शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर, राम इकबाल सिंह ने थामा है सपा का दामन, जहां अपने साथियों के साथ सपा में शामिल हुए हैं राम इकबाल। अखिलेश यादव ने राम इकबाल को दिलाई है सदस्यता की शपथ। अखिलेश यादव ने राम इकबाल को दिलाई सदस्यता की शपथ, इस वक्त की बड़ी खबर। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां छात्र छात्राओं ने निकाली है रैली। मतदाता जागरूकता अभियान को रैली निकाली गई, जहां छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक भी रहे हैं मौजूद। पूरे कस्बे में घूम घूम कर मतदाताओं को किया गया है जागरूक। विकास खंड अमौली के कस्बा में हुआ है यह आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको फतेहपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई है। छात्र छात्राओं ने निकाली है रैली, जहां मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर रैली निकाली गई, जिसमें शिक्षक भी साथ में मौजूद है छात्र छात्राओं के। पूरे कस्बे में घूम घूम कर मतदाताओं को किया गया है जागरूक। विकास खंड अमरौली के कस्बा में हुआ है ये पूरा आयोजन। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक्सप्रेसवे पर धू धू कर जली है कार। कार में तीन लोग थे सवार। कार सवार लखनऊ से मथुरा जा रहे थे। कार चालक को झपकी आने की बात आ रही है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर, डिवाइडर से टकराने पे हुआ है ये हादसा। फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद आग पर पाया गया है काबू। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक्सप्रेसवे पर धू धू कर जली है कार। कार में तीन लोग सवार थे, जहां कार सवार लखनऊ में मथुरा जा रहे थे। कार सवार आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक्सप्रेसवे पर एक हादसा हुआ है, जहां कार चालक को झपकी आने की बात सामने आ रही है, जहां डिवाइडर से टकराने पर हुआ है यह हादसा। कार में तीन लोग सवार थे, जहां फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद आग पर पाया गया है काबू। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।